Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पुशअप्स के वेरिएशन के बारे में. अब बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि हम घर पे वर्कआउट करते हैं तो पुशअप्स की कुछ ऐसे मूवमेंट्स बताइए जिसमें हमारा चेस्ट भी टारगेट हो जाए, हमारे डेल्ट्स भी टारगेट हो जाए, हमारा ट्राइसेप भी टारगेट हो जाए. तो मैं कुछ 5 वेरिएशंस आज आपको बताने वाला हूँ जो आप घर पे बॉडी वेट या फिर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो आप बैग पहन के या इस तरीके से आप कर सकते हैं रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करके. और इसी वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा, एक ऐसी पुशअप की एक्सरसाइज जिसको आपको 30 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करना है. अगर आप ये चैलेंज जीतते हैं तो आपको मिलेंगे फ्यूरो स्पोर्ट्स के थ्रू एक शूज जो मैं आपको भिजवाऊंगा. राइट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. 1 by 1 सारी एक्सरसाइजेस को चेक करते हैं. पहली एक्सरसाइज जो हमारी पुशअप की आती है, रेगुलर पुशअप्स आप सभी ने लगाए होंगे, कुछ नहीं करना है आपने. सिंपल, आप अच्छी तरीके से फ्लोर पे लेटते हैं. मैंने बहुत बार आपको बताया कि इसकी पोजीशनिंग कैसे होती है, मैं आपको साइड एंगल से समझाता हूँ. देखिए, जब भी आप रेगुलर पुशअप्स लगाते हैं तो आपकी प्लैंक पोजीशन बननी चाहिए, ठीक है? ऐसे हिप्स ड्रॉप नहीं होंगे, हिप्स उठेंगे नहीं, बिल्कुल एक प्लैंक पोजीशन. यहाँ से आपकी पुशअप स्टार्ट होती है, रेगुलर पुशअप्स. शोल्डर विड्थ अपार्ट आपको अपने हाथों को रखना होता है, ठीक है? यू जो आपके चेस्ट और ट्राइसेप दोनों को ही टारगेट करती है, साथ ही साथ आपके जो ये फ्रंट डेल्ट है इसको भी टारगेट करती है. तो देखिए, साइड एंगल से कुछ इस तरीके से आपको लगाने हैं. यू एल्बोज आपके पीछे जाएंगे, फ्लैट आपके रहेंगे. पुश आपको क्या करना है, अपने इस पार्ट से और अपने इस पार्ट से फ्लोर को प्रेस करना है. बेंच प्रेस वाला एक आपको मूवमेंट यहाँ पे करना है जो आपके पेक्टोरियल मसल को टारगेट करता है. फुली एक्सटेंड करना है अपने आर्म को, ट्राइसेप काम करेगा यहाँ पे. स्ट्रेच एंड अप, हाफ रिपीटेशन नहीं करना है, ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप. शोल्डर विथ अपार्ट से थोड़ा सा बाहर और चेस्ट के लाइन में ही रहेगी. एंड इसके बाद बारी आती है एक ऐसी एक्सरसाइज की जो है तो पुशअप्स ही लेकिन वो ट्राइसेप मसल पे ज़्यादा टारगेट करती है. उसका नाम है क्रॉस एल्बो ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप्स. अब ये एक्सरसाइज को पहले ही बता दूं कि ये थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, ज़्यादातर लोग इसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अनलेस कि उनकी अच्छी स्ट्रेंथ है, ट्राइसेप में कंट्रोल अच्छा है, कोर एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे. इसीलिए डिफिकल्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी. स्टार्ट आप नीज से कर सकते हो, आपको पूरा अपने प्लैंक पोजिशन में से स्टार्ट मत करना. इनिशियली आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, देखिए, ठीक है? नीज में हैंड प्लेसमेंट कैसे रहेगी, 1 and 2, ठीक है? क्रॉस एल्बो, 1 2 3. अब अगर आप में स्ट्रेंथ है परफॉर्म कर सकते हैं तो आप 1 2 3, हाथ आप चेंज भी कर सकते हैं, 4 5. फॉर्म की बात करें तो बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में करना है, डिफिकल्ट मूवमेंट है और कोशिश ये करनी है कि आपके जो हिप्स है वो ज़्यादा ड्रॉप ना हो. सो गाइज, आपको याद होगा मैंने आपको एक फिटनेस एप्लीकेशन के बारे में बताया था, फिटनेस क्वेश्चन बाय फ्यूरोस्पोर्ट. आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उनका इंस्टाग्राम पेज भी चेक कर सकते हैं. उसमें बहुत सारे आपको फिटनेस चैलेंजेस क्रिएट करने का मौका मिलता है और बहुत सारे आर्टिकल्स फिटनेस रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड भी मिलते हैं. ऑलराइट गाइज, तो अब बात करते हैं हमारे चैलेंज की. सो हमारा चैलेंज है ट्राइसेप एक्सटेंशन क्रॉस एल्बो जो हम लगाते हैं. इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आपको 30 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है. 30 सेकंड्स मैक्सिमम रेपिटेशन आप जो निकाल सकते हैं करेक्ट फॉर्म में. ध्यान दीजिए, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा. इस पर्टिकुलर वीडियो को जब आप बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे इसे अपलोड करेंगे और टैग करेंगे मुझे और साथ ही साथ फिटनेस क्वेश्चन बाय फ्यूरो स्पोर्ट्स को. हमें यह वीडियो मिलेगा, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी फॉर्म, टेक्निक, एवरीथिंग, और उसके बाद जो भी विनर होगा उसे मिलेंगे फ्यूरो स्पोर्ट्स के शूज. ऑलराइट, चलिए देखते हैं ये मूवमेंट कैसे होता है और मैं कितने रेपिटेशन इसमें निकाल पाता हूं. ठीक है, जज मत करना. फॉर्म टेक्निक देख लीजिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, कंट्रोल में, ये नहीं कि कांप कांप के कर रहे हो आप. ओके, सो 12, 13 रेपिटेशंस. ओके,
सो आपके 30 सेकंड्स में जितने भी रेपिटेशन आएंगे या 30 सेकंड से पहले गिव अप कर देते हो तो इट्स ऑल राइट. मैक्सिमम रेपिटेशन विद इन 30 सेकंड्स जितने भी आपके आएंगे उसे वीडियो बनाइए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करिए, टैग करिए मुझे और साथ ही साथ फिटनेस क्वेश्चन बाय फ्यूरो स्पोर्ट्स को. ओके गाइस, तो हमारी तीसरी जो वेरिएशन है पुशअप की वो है वाइड पुशअप्स. अब वाइड पुशअप्स में क्या है, सिंपल आपको जो आपके हाथों के बीच की डिस्टेंस है वो दूर रखनी है और एंगल राइट जिस तरीके से आप अपने पाम को प्लेस करते हो ये वेरी करता है. सो ऐसे नहीं, हम ऐसे प्लेस करते हैं और वाइड रखते हैं. ये सेम पुशअप मूवमेंट ही रहेगी, प्लैंक पोजिशन पर आएंगे एंड डाउन स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, इलोंगेट योर मसल एंड कॉन्ट्रैक्ट योर मसल. ओके, एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है आपके पेक्टोरियल मसल को ज़्यादा इलोंगेट करने के लिए. यानी कि कह सकते हैं कि फ्लाई वाला जो मूवमेंट आप डंबल से करते हैं या फिर केबल से करते हैं वो आपको थोड़ा सा मिमिक होता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में. तो एक अच्छा वेरिएशन है. रेगुलर पुशअप्स उसके साथ साथ वाइड पुशअप्स आप लगाएंगे तो चेस्ट पूरी तरीके से घर पे ट्रेन कर सकते हैं. और अभी तक मैंने आपको जो भी एक्सरसाइजेस बताई हैं उसमें आप रेप रेंज घर पे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से रखेंगे. मैक्सिमम लोग 12-15 रेपिटेशन तो इसमें इजीली निकाल पाएंगे एक्सेप्ट क्रॉस एल्बो ट्राइसेप एक्सटेंशन के, क्योंकि वो डिफिकल्ट मूवमेंट है. बट जितने भी मैक्सिमम आपके आते हैं उतने आप निकाल सकते हो 15-20 तक भी. सो फोर्थ एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे आती है डायमंड पुशअप्स. आप लोगों ने सुना भी होगा डायमंड पुशअप्स क्यों कहते हैं, बिकॉज जिस तरीके से हम अपने हाथ को प्लेस करते हैं फ्लोर में इट मेक्स अ डायमंड. प्लैंक पोजिशन को बनाएंगे एंड ऑल द वे डाउन अप अप अप. डायमंड पुशअप्स भी एक बहुत ही डिफिकल्ट मूवमेंट है अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या ना आपके रिस्ट में भी ये थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर ज्यादा डालती है. तो क्या करना है कि नीज से शुरू कर सकते हो आप, नीज में रहिए इस तरीके से और फिर आप डायमंड पुशअप्स को लगाइए इनिशियली, और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके बाद आप डायमंड पुशअप्स को जैसे मर्जी लगा सकते हैं. अब हमारी आखिरी एक्सरसाइज आती है यहाँ पे स्यूडो पुशअप्स. अब ये पुशअप्स थोड़े से अलग है, मतलब आप काफ़ी सारे लोग इसको नहीं भी जानते होंगे कैसे परफॉर्म करना है, तो मैं आपको बताता हूँ. ये जो आपका पर्टिकुलर मूवमेंट है ये आपके हल्का बाइसेप को भी ट्रेन करता है, ठीक है. बाइसेप पे भी इसका काफ़ी असर आता है, साथ ही साथ ट्राइसेप भी काम करती है. स्टैंस कैसे बनाना है इसमें स्यूडो पुशअप्स में, आपके जो हाथ का प्लेसमेंट है ये थोड़ा सा उल्टा रहेगा. अब बिल्कुल इतना भी नहीं करिएगा क्योंकि ये आपके रिस्ट और एल्बो के लिए डेंजरस हो सकता है, थोड़ा सा एंगल में इतना, ठीक है. और आपका जो ये हाथ है वो आपके ये जो आपका पेक्टोरियल मसल है उसके थोड़ा सा नीचे एब्डोमिन के पास रहेगा यूं, ठीक है. प्लेसमेंट ये रहेगी, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे. ओके, आप थोड़ा सा आगे होंगे. सो दिस इज स्यूडो पुशअप्स का स्टैंस. अब जब आप स्यूडो पुशअप्स कर रहे हैं तो देखिए यहाँ तक आप जाएंगे आपके बाइसेप मसल पे भी काफ़ी टेंशन आएगी एंड यू गो अप 2, 3, 4, 5. ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, वेरिएशन है आपका, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी रिस्ट की मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है या अपने वेट को जो नहीं ले पाते. सो अगेन दिस इज स्लाइटली एडवांस. मैं ये कहूँगा कि आप नीज से ही स्टार्ट करें और फिर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, स्ट्रेंथ आती है आपके पास आपके बॉडी वेट को कंट्रोल करने की, तब आप प्लैंक पोजिशन से स्टार्ट कर सकते हैं. और ऑलराइट गाइस, तो ये थे पुशअप वेरिएशन के 5 एक्सरसाइजेस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को लाइक कीजिए और ये चैलेंज में पार्टिसिपेट करिए, टैग करिए मुझे इंस्टाग्राम पे और फिटनेस क्वेश्चन बाय फ्यूरो स्पोर्ट्स को और जीतिए शूज़ एंड टेक केयर. जीत सलाल, बाय बाय.